साथियों नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में अपन बात करेंगे इंटर्नशिप किसको करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो साथियों आगे बढ़े उससे पहले छोटा सा मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि जिन साथियों ने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको बेरोजगारी भत्ते की समस्त जानकारी है वो आपको सही समय पर मिल पाए। देखो दोस्तों, जो इंटर्नशिप का जो मैसेज जब जारी किया गया था तो वो क्या हेड ऑफिस से जारी किया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो किसी की 30 साल से ऊपर हो चुकी है, जैसे कोई मेल कैंडिडेट है, ठीक है, यदि वो दिव्यांग नहीं है और उसकी उम्र 30 प्लस से ऊपर हो चुकी है या आपकी 24 किस्त पूरी हो चुकी है, यानी आपका 2 साल का भत्ता पूरा हो चुका है, तो जो इंटर्नशिप का मैसेज है वो सभी के पास आ रहा है। तो 2 या 3 दिन से मेरे पास लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर हमारी 30 प्लस एज हो चुकी है, हमें इंटर्नशिप डिपार्टमेंट मिला है, तो क्या हमें इंटर्नशिप करने के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, जाएँगे तो क्या आपको भत्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको बिल्कुल भी जाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, यदि आपकी 30 प्लस एज हो चुकी है, यदि आप दिव्यांग श्रेणी में नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 35 साल तक बेरोजगारी भत्ता मिलता है। ठीक है, यदि आपके पास ऐसा मैसेज आया है तो आपको जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और यदि आप मान लो वहाँ पर चले भी गए और आप इंटर्नशिप कर भी ली तो आपका जिला रोजगार कार्यालय आपके बिल को बिल्कुल भी अलाउ ना करेगा। ठीक है, इसलिए आप अपने समय को बर्बाद ना करें। और मैं उन भाइयों से भी निवेदन करना चाहूँगा जिन साथियों ने 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता ले लिया, या यदि आपका बेरोजगारी भत्ता है अपात्रता के कारण स्टॉप कर दिया गया है, तो आपको इब यूट्यूब चैनल देखने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि साथियों इब आप अपनी पढ़ाई में ध्यान लगाएं, जो काम होना था वो तो आपको हो चुका है, आपने इस योजना का पूर्ण रूप से फायदा उठा लिया है। क्या है, कल काफ़ी साथियों का कॉमेंट्स आया था कि सर हमको भत्ता सफलतापूर्वक मिल चुका है लेकिन हम वीडियो के आदि हो चुके हैं। तो देखो दोस्तों, मैं इतना ही कहना चाहूँगा, देखो ठीक है भाई, आपने हमारे साथ जुड़े थे, आपको हमने जितना हो सका था हमने आपकी हेल्प की, लेकिन इब इस बेरोजगारी भत्ते को देखने का आपका कोई महत्व नहीं होता है। यदि देखोगे तो आपका सिर्फ समय ही बर्बाद होगा। ठीक है ना, तो अपनी पढ़ाई में ध्यान रखें। यदि आपकी 30 प्लस ऊपर एज हो चुकी है, मेल कैंडिडेट हैं और दिव्यांग नहीं है, तो आपको इंटर्नशिप करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, क्योंकि आपको बेरोजगारी भत्ता अब नहीं मिलेगा, क्योंकि मेल कैंडिडेट को 30 साल तक ही बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है ना। और 2 साल यदि आपका बेरोजगारी भत्ता पूर्ण हो चुका है लेकिन उनके पास भी क्या है, इंटर्नशिप करने के मैसेज आ रहे हैं, तो भी आपको करने की आवश्यकता नहीं है ना। और ज़्यादा मुझे बताने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप बहुत पढ़े लिखे हो। ठीक है भाई, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे और युवा साथी हैं उन तक जानकारी पहुँच सके, क्योंकि साथियों देखो दुनिया में हर इंसान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है ना, तो जय हिंद जय भारत।